नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। केंद्र और राज्य सरकार देश और प्रदेश की जनता को हर सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके लिए हर जनपद क्षेत्र में पुल, पुलिया, सड़क, बिजली, पानी, रहने के लिए मकान, खाने के लिए अनाज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए काफी किताब से लेकर खेलकूद के सामान, साइकिल, ड्रेस, खाने के लिए मध्याह्न भोजन, बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, बहनों के लिए लाडली बहना योजना और बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन, निराश्रितों के लिए निराश्रित पेंशन और अनेकों अन्य योजना लागू की, जिससे ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र की जनता या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, किंतु भ्रष्ट अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर सरकार की योजनाओं को अपनी भ्रष्ट कार्यशैली से धूल में मिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही मामला बैहर विधानसभा क्षेत्र के बैहर और बिरसा जनपद क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बैहर एवं बिरसा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है। यहाँ सरपंच और जनपद में निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहुत ही सीधे साधे होते हैं, जिनकी सिधाई का फायदा उठाते हुए अधिकारी और ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, विधायक निधि, सांसद निधि, 15वें वित्त आयोग योजना और अन्य मदों से कराए जा रहे निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्षेत्र में बन रहे पुल पुलिया में लोहे की रॉड का उपयोग न करते हुए बांस के कमची का उपयोग किया जा रहा है। कई पुल पुलिया तो ऐसे बनाए गए हैं जिसमें एक भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। 15 लाख की पुल पुलिया को 2 से 2.5 लाख रुपयों में बनाकर अधिकारियों से साठगांठ कर बिल निकलवा कर भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अधिकारियों और ठेकेदारों के द्वारा भैयर और बिरसा जनपद क्षेत्र में विगत 3 वर्षों के अंतराल में जितने भी पुल पुलिया, सड़क, भवन, कुआ, बाउंड्री वॉल आदि के किए गए निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच की जानी चाहिए। क्या क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, और आपका बेटा किसके बदले में आओ काम में? बलराम। आप बलराम किस में आए हो? कौन है बलराम? आपके पापा है? मामा। मामा जी। और आप? रति। रति कौन? दीदी। पूरा नाम बताओ। पृथ्वी देवी। पृथ्वी देवी। हाँ। आपकी बहन है? हाँ, उनके बदले में आए हो? हाँ, बड़े वाले। आप लोग 18 साल के हो गए? हाँ, हो गए। आप तुम बेटा? नहीं हुई है। बाल श्रमी था तू तो रे। अच्छा, आप अपने मामा के बदले आए और आप अपनी दीदी के बदले आए हो, है ना? अच्छा, मामा के बदले आई है ना। रेता कैसा है बेटा? मट्टी वाला है, है ना? यहाँ काम कर रहे हैं आप लोग? कहाँ पर? कौन सा पुलिया ये? पता नहीं जी। नहीं, कौन सा गांव का पुलिया है? झाको का। तो ये जो यहाँ रेत जो इस्तेमाल हो रही सही है वो? नहीं है ना जी, पूरी मट्टी वाली है ना। ना मट्टी वाली रेत है पूरी। और गिट्टी? गिट्टी भी सही नहीं है। तो आपने सरपंच साहब को बताई नहीं क्या चीज? वो तो हम सिरमिट के लिए चले गए, वो घर चले गए वो भी। और ठेका किसका? मिले नहीं। ठेका किसका है? ठेका किसका है अब तो मालूम नहीं है। निका बैयर वाले का है, बता रहे ना, निक्की भाई जान। अच्छा अच्छा, ये जो काम हो रहा है आप लोगों को, रेत सही लग रही? कैसी लग रही रेत बताओ आप लोग? कैसी है रेत? तो काका, ये रेत खराब हो रही, पुलिया तो टूट जाएगा फिर ऐसे में आपका? क्या बोल रहे थे सचिव? अच्छा रेत है, लेकिन रेत में तो पूरी मट्टी मिली है। पहले से ही बताए थे उनको कि रेत गलत है करके। क्या बोले फिर आपको उनने? यही वाला चलेगा बोले? अच्छा, और ये गिट्टी कहाँ से लाई? ये गिट्टी लाए कहाँ से? ये गिट्टी इधर वाला, ये कटेंगी की उस तरफ नहीं है क्या? हाँ, एक क्रेशर वही का गिट्टी होगा। ये गिट्टी भी खराब है, टूटने वाली है। गिट्टी हमारे पास यहाँ का गिट्टी अच्छा है, ये वाला क्रेशर का। अच्छा, इसके पहले भी निक्की ने बनाया था वो, वहाँ वो भी टूटा था अभी बरसात में। हाँ, फिर थूक पॉलिश करके जोड़े, टूटा था कि नहीं? ये डैम जो बना था, ये डैम भी टूटा था बरसात में, पहली बरसात में डैम टूट गया, पूरा गड्ढा छो गया था वहाँ पे। हाँ, फिर थूक पॉलिश करके जोड़े जी। अब गिट्टी जो है तो है, लेकिन रेत तो सही लाना था ना उसको? रेत भी सही नहीं है, रेत तो एकदम खराब है। अच्छा, रेत में मिट्टी के ढेले मिलते हैं जी, बनाने वाले तो बना के चले जाएंगे। और वो डिक्की भाई जान का ठेका है, ठेका लेना था तो किसी गांव वाले को दे देना था, तो अच्छे से बनवाते।